गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर व्लॉग। सो आज है सैटरडे और सैटरडे संडे मंडे तक हमारी कॉलेज की छुट्टी है। मंडे को शायद बुद्ध पूर्णिमा है इसके लिए। सो अभी मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद मैं जाऊँगी शायद विशाल, क्योंकि हमारी पीजी की एक दीदी है तो उनका बर्थडे है कल, तो उनके लिए गिफ्ट लेना है। तो आपको मिलते हैं नहाने के। मस्त रेडी हो चुकी हूँ अभी। बस मेरी एक पीजी मेट है, उसने अभी तक ब्रश नहीं किया। वो ब्रश व्रश करके अभी निकलेंगे, हम साथ में जाएंगे। और मेरे को विशाल से अपना भी कुछ सामान लेना है और जिस दीदी का बर्थडे है उनके लिए भी गिफ्ट लेना है, थोड़े फ्रूट्स लेने हैं। तो आपको मिलते हैं बाहर। गाइस हम निकल चुके हैं। ये है मेरी पीजी मेट, तो मैं इसके साथ जा रही हूँ। अभी जाते हैं विशाल, फिर आपको मिलते हैं विशाल पे। बाय बाय। यहाँ के लोग इतने गधे हैं ना, गाड़ी चलाना आता है नहीं और गाड़ी चलाने निकल जाता है। एक तो ये छोटी सी गली है, कॉलोनी है, ऊपर से चलो तुम जा रहे हो तो पहले हॉर्न मारो ना। एकदम पास में आके हॉर्न मार रहे और हम ही पागल बोल रहे हैं। अजीब आदमी है भाई, अजीब ही उनके टेंट्रम चल रहे हैं। इतनी छोटी सी गली में गाड़ी भी बाइक भी, कब किसको ठोक दे भगवान जाने। दिमाग खराब करके रखा सुबह सुबह सब। हाँ पानी भी जब अभी अभी नहा के निकले सब हमारे ऊपर उछाल दिया। अजीब लोग हैं यहाँ के। इसे हम आ चुके हैं विशाल, हमारे नारंगी का प्यारा प्यारा विशाल। एक्चुअली नया ही खुला है, एक साल तो नहीं कुछ महीने हुए हैं। चलते हैं कुछ खरीदने। गाइस फाइनली गिफ्ट मिल गया। मैंने ये एक छोटू सा टेडी बेयर लिया है और अपने लिए दो तीन संभाल लूँगी, फिर चलते हैं वापस। गाइस मैं शॉपिंग वॉपिंग करके आ चुकी थी, बहुत टाइम हो गया मेरे को आए हुए। अभी तो शायद 9 बज रहे हैं। मैंने वापस आके ब्लॉग्स लिए शूट नहीं किया क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। एक तो इस विशाल में कब से बोल रहे कि एसी लगवाएंगे, अभी तक लगाया नहीं। इतनी ज़्यादा ह्यूमिड, ऊपर से बारिश हो रही थी और एकदम से रुक गई, तो उसके वजह से ह्यूमिड और ज़्यादा बढ़ गया और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। विशाल में भी सफोकेशन हो रहा था और इतनी लंबी लंबी लाइन बिलिंग के लिए, इतनी लंबी लंबी लाइन। फिर हम लोग वहाँ से निकले और मैं सोची थी कब मैं पीजी जाऊँ, कब जाके रेस्ट करूँ। सो मेरे को और भी कुछ कुछ सामान खरीदना था बाहर से, वो मैंने ख़रीदा नहीं। तो फिर जस्ट थोड़ा सामान खरीद के हम आ गए, दीदी का गिफ्ट विफ्ट लिया। फिर अभी चाय, थोड़ी देर पहले चाय पी थी मैंने, 8 बजे के करीब शायद चाय वाय पी थी। फिर अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक खाली रूम पड़ा है, उस रूम में जाके डेकोरेट करेंगे। ज़्यादा बैलून तो नहीं है, शायद 5-6 होंगे, तो उससे ही डेकोरेशन करेंगे। केक लाया है, रात के 12 बजे काटेंगे और तब आपको मिलते हैं। 12 बजे नहीं मिलते हैं, मैं आपको जब डेकोरेशन करेंगे मैं आपको तब वीडियो दिखाती हूँ, मतलब तब मैं शूट करूँगी और आप देख पाएंगे। तो आपको मिलते हैं डेकोरेशन के टाइम। बाय बाय। सो गाइस 12 बजने वाले हैं, 12 बजने को 15 मिनट बाकी है और ये रूम एक्चुअली खाली है। सो हमने इसको ही डेकोरेट कर दिया। ये छोटू सा केक है। आज हमारे साथ क्या हो रहा था पता है, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ हमें करना था 1 kg का केक ऑर्डर। और आज क्या हो रहा था, जोमेटो पे आ ही नहीं रहा था कोई भी केक, आ ही नहीं रहा था। कोई बोलता है कि 450 से अबव जो रेट होगा वो मतलब डिलीवर नहीं होगा, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा। तो और हमारे अकाउंट में किसी के भी अकाउंट में मतलब गूगल पे में नहीं है पैसे उससे ज़्यादा, मतलब 500 ऐसे ही है। तो फिर हमने क्या किया, फिर 500 ग्राम ऑर्डर किया और ये छोटू सा केक आया है। कोई बात नहीं, हम ज़्यादा लोग नहीं हैं, इससे काम चल जाएगा। अगले ने मतलब कल हम और अच्छे से कर देंगे। तो बस ये डेकोरेट किया है, उनको बुलाना है, काटना है, तो वेट करते हैं। सो गाइस ये जस्नवा है, वही ये मेरी रूममेट है और इनको इन्होंने बोला कि मुझे वीडियो पे मतलब मुझे शर्म आता है, कब से बोल रही है मतलब। मैंने बोला कुछ नहीं होगा आ जाओ, अभी भी शर्म आ रही है। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू বহুত সরি অলপ সরু হয়ে গেল কেক
কিন্তু আজি কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আহাই নাই ডাঙৰকে তাই তাতে নাইফ আছে এইটো চাইডত হ'ব ইমান লেকচাৰ মাৰিব নালাগে খুব পৰা আৰু কাটা হ'ব ইমান মইতো এনেকেই ক'ম Happy birthday to you, happy birthday dear Bilkisba, happy birthday to you, may God bless you, may God bless you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you. Come on, you can come in. Amen. Amen. কেসা লাগা সারপ্রাইজ আচ্ছা লাগা কত সাল কি হয়ে গেল 23 बिल्किसबा बहुत प्यारी है मेरा बहुत ध्यान रखती है और क्या बोलूं और मैं इनको जब देखो पकाती रहती हूँ चलो गाइस बाय बाय यहीं तक ही मैं रखती हूँ अपना ब्लॉग हाँ ये भी हाय हाय बोल रही है मतलब बाय बाय बोल रही है bye-bye. वो इनकी रूममेट है सो अभी ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल तब तक के लिए बाय बाय